Hello students and welcome in today's lecture. This lecture is the second part of the prerequisite series on dual nature of matter and radiation. तो ये video second part है prerequisite lecture का. इससे पहले एक prerequisite lecture में ले चुका हूँ dual nature of radiation and matter पर. अगर आपने वो lecture नहीं देखा है और उस lecture के बाद की quiz को attempt नहीं किया है तो I would suggest कि पहले आप उस lecture को एक बार देख लीजिए, क्विज को अटेम्प्ट कर लीजिए और फिर इस लेक्चर पर आइए. इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि यहाँ पर जो मैं समझाऊंगा वो आपको काफ़ी हद तक ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा और यदि उसको स्किप कर कर आप यदि इस टॉपिक पर सीधे आते हैं तो फिर एक तो प्रीरिक्विजाइट क्लासेस की रेलेवेंस कम होती है, दूसरी चीज़ आपको कुछ चीज़ें कम समझ में आ सकती हैं. अब जिन्होंने ये पहला वीडियो प्रीरिक्विजाइट वन देख रखा है उस प्रीरिक्विजाइट वन का मैंने यहाँ पर रिकैप्चुलाइजेशन कर रखा है तो आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि आपको पूरा रिकैप्चुलाइजेशन फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिख रहा है. तो इस फ्लो चार्ट के फॉर्म से मैं आपका वो पुराना ब्रशअप करने की कोशिश करता हूँ. तो हमने प्रीरिक्विजाइट वन में पढ़ा यूनिवर्स इज मेडअप और मेडअप ऑफ मैटर एंड एनर्जी और एनर्जी का हम एक फॉर्म लेते हैं रेडिएशन. सारी एनर्जी को ना पढ़ते हैं, हम एनर्जी का एक फॉर्म पढ़ते हैं रेडिएशन. ये रेडिएशन वेव से मिलकर बना हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं रेडिएशन हैज वेव नेचर. वेव की कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ वेव में पाई जाती हैं, वो हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ. इस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वजह से ये वेव या ये रेडिएशन कुछ कैरेक्टरिस्टिक फिनोमेना शो करता है जो केवल वेव शो कर सकती हैं, वो हैं इंटरफियरेंस और डिफ्रेक्शन. इंटरफियरेंस और डिफ्रेक्शन ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे फिनोमेना हैं जो सारे वेव्स शो करते हैं. इसमें से जो हमारी रेडिएशन है वो क्योंकि ट्रांसवर्स वेव होती है इस वजह से वो पोलराइजेशन भी शो करती है. तो ये तीन वेव फिनोमेना हैं, उसमें से ये दो यूनिवर्सल वेव फिनोमेना है, मतलब सारी वेव्स शो करेंगी इसको, और जो पोलराइजेशन है वो केवल ट्रांसवर्स वेव शो करेगी. और क्योंकि हमारी रेडिएशन जो है एक ट्रांसवर्स वेव है इस वजह से ये पोलराइजेशन शो करती है. अब हम आते हैं दूसरे नेचर पर जो मैटर का है. मैटर का नेचर क्या है? पार्टिकल नेचर, क्योंकि ये पार्टिकल से मिलकर बना है. पार्टिकल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ पार्टिकल में पाई जाती हैं, वो है मास, वॉल्यूम, मोमेंटम, और इसकी वजह से ये एक फिजिकल फिनोमेना शो करता है जिसको बोलते हैं कोलिजन. ठीक है, तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दो अलग अलग नेचर है. ठीक है, पार्टिकल कभी वेव नहीं बन सकता और वेव कभी पार्टिकल नहीं बन सकता क्योंकि इनमें ये कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है. हालांकि सारी चीजें डिफरेंट हैं ऐसा नहीं है, इनमें दो चीजें ऐसी होती हैं वेलोसिटी और एनर्जी जो कॉमन होती हैं, लेकिन इनके अंदर भी एक कॉन्ट्रास्टिंग फीचर होता है. तो वेलोसिटी और एनर्जी पार्टिकल के पास भी होगी और वेव के पास भी होगी, लेकिन जब ये वेलोसिटी से ये एनर्जी ट्रेवल करेगी तो पार्टिकल में ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है और एनर्जी के केस में भी ये स्ट्रेट लाइन में तो ट्रेवल करती है लेकिन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रेवल करती है. इसलिए हम बोलते हैं कि एनर्जी स्प्रेड हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है जबकि पार्टिकल ट्रेवल करता है. तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रीरिक्विजाइट लेक्चर टू. तो प्रीरिक्विजाइट लेक्चर टू का हमने नाम दिया है मॉडर्न व्यू ऑन रेडिएशन एंड मैटर. तो रेडिएशन और मैटर पर आज का क्या व्यू है, आज का क्या व्यू है? तो ये जो क्लासिकल व्यू था ये बहुत अच्छा व्यू था, इसमें कोई खराबी नहीं थी, लेकिन बात ये थी कि ये केवल मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को सेटिस्फाई कर पाता था. मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ये बातें सही पाई जाती. क्लासिकल व्यू को सबसे तगड़ा झटका तब लगा जब इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की डिस्कवरी हुई. तो उस चीज को समझाने के लिए ये क्लासिकल व्यू इनसफिशियंट हो गया, इनकेपेबल हो गया और फिर एक नए व्यू की तलाश शुरू हुई. अब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? एक तो माइक्रोस्कोप से ऐसा लगता है कि वो चीज़ें जो माइक्रोस्कोप से देखी जाती है, तो माइक्रोस्कोप से तो बैक्टीरिया वायरस को भी देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक का मतलब बैक्टीरिया वायरस से भी छोटी चीज़ों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. तो कितनी छोटी, आप सोचो कि मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से भी छोटा क्या एटम, एटम से भी छोटा क्या न्यूक्लियस. न्यूक्लियस एक ऐसी चीज है जो सबसे छोटी चीज जिसकी हमको साइज मालूम है वो है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की साइज कही जाती है 10^-15 मीटर.
कितनी न्यूक्लियस की साइज कही जाती है, इसी को बोला जाता है वन फर्मी, आफ्टर द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट फर्मी। सो इससे छोटी साइज हम मेजर नहीं कर पाए हैं अभी तक। ये सबसे छोटी साइज है 10^-15 मीटर। तो इससे भी छोटे होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ पाए जाते हैं। तो ऐसा ही एक सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का साइज आप नहीं बता सकते कि उसका साइज कितना है, बस आप ये बोल सकते हो कि ये एक छोटा पार्टिकल है, ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटम के अंदर पाया जाता है। तो ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मैं यहां पर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स कह रहा हूं। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इनको आप क्लासिकल व्यू से पूरी तरीके से समझा नहीं पाओगे, तो आपको एक नई थ्योरी की जरूरत पड़ेगी। वो थ्योरी है मॉडर्न थ्योरी या मॉडर्न व्यू। ये जो मॉडर्न व्यू है ये एक खास हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड है जो 1924 में डी ब्रॉय नाम के एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने दिया था। तो लिखा हुआ दिखता है डी ब्रॉगली, और इंडिया में बहुत से टीचर्स को डी ब्रॉगली ही बोलते हैं, एक्चुअल में इसका प्रोनंसिएशन है डी ब्रॉय। तो डी ब्रॉय ने 1924 में एक हाइपोथेसिस दी। अब मैं आपको हाइपोथेसिस को क्यों बोला है थोड़ी देर में समझाऊंगा। उस हाइपोथेसिस के अनुसार, हाइपोथेसिस का सिंपल मीनिंग हुआ एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया। तो एक आइडिया दिया इन्होंने कि ये जो मैटर है और ये रेडिएशन है इनका डुअल नेचर होना चाहिए। डुअल नेचर का मतलब क्या? डुअल नेचर का वही मतलब जो अभी हम पढ़ रहे थे क्लासिकल व्यू में, कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर ये दोनों होने चाहिए। मतलब मैटर में वेव नेचर भी होना चाहिए और पार्टिकल नेचर भी होना चाहिए, इसी प्रकार से रेडिएशन में भी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर होना चाहिए। तो ये चीज आज आप क्लासिकल व्यू पढ़ने के बाद भी सुन रहे हो तो आपको अजीब लग रहा है। तो 1924 में, आज से करीब 100 साल पहले, ये बात और भी अजीब थी, ठीक है। तो उस समय ये टर्म बहुत उठा अचानक से, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, और आज भी ये वॉग में, वॉग मतलब कोई भी चीज यदि फैशन में हो, ज्यादा बोली जा रही हो तो वो वॉग में। तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी एक वॉग टर्म है, ठीक है। एक वेग टर्म भी होती है, वेग का मतलब होता है फालतू, तो इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसकी बात। तो हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको हाइपोथेसिस समझाता हूं। तो तीन शब्द होते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। एक हाइपोथेसिस होता है, एक थ्योरी होता है और एक लॉ होता है। तीनों होते कॉन्सेप्ट हैं, यदि इंग्लिश डिक्शनरी में आप देखोगे तो लगभग तीनों का मीनिंग सेम निकले, लेकिन साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर तीनों की रेलेवेंस अलग अलग है। जैसे कि शंकर भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो और उसी नल से पानी निकाल के फिर आप पी रहे हो, तो आप जो पी रहे हो उसको आपने बोला पानी, और शंकर भगवान को जो चढ़ा रहे हो उसको बोला जल, डिफरेंस कुछ नहीं। लेकिन फिर भी आपने जो चीज़ शंकर भगवान चढ़ाई उसकी प्योरिटी और उसके कंटेंट को समझाने के लिए जल शब्द का इस्तेमाल किया, और पीने के लिए भी आपने उतना ही प्योर वाटर यूज किया लेकिन आपने उसको सिर्फ पानी बोला। तो ऐसे ही यहां पर आप समझ लो हाइपोथेसिस थ्योरी और लॉ। तो हाइपोथेसिस थ्योरी और लॉ में आप ये समझो कि जब कोई चीज प्रूव नहीं होती, आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, हिंदी में इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस को परिकल्पना। तो जब कोई चीज प्रूव नहीं होती तो हम उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। फिर हाइपोथेसिस की होती है टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद यदि हाइपोथेसिस सही पाई जाती है तो तब उसको बोलते हैं हम थ्योरी। तो एक होती है हाइपोथेसिस, फिर हाइपोथेसिस की होती है टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद जो फाइनल निकल के आती है यदि वो ट्रू साबित हुई, थ्योरी। अब थ्योरी के बाद लॉ बनने में काफी समय लगता है, जबकि उसमें कुछ बचा नहीं, वो चीज सही साबित हो चुकी है, जो आपका आइडिया था, जो आपका कॉन्सेप्ट था, वो सही साबित हो चुका है, लेकिन अभी हम उसको लॉ नहीं कहेंगे। ये लगातार अलग अलग सिचुएशन में चेक होता रहेगा टाइम टू टाइम। कितना टाइम? कम से कम 30 साल 40 साल 50 साल या इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। और जब ये टाइम टेस्टेडली प्रूव हो जाता है, हमेशा सही हो जाता है, तब इसको हम बोलते हैं लॉ, ठीक है। तो अब ये जो डी ब्रॉगली की प्रिडिक्शन थी, इसने ये चीज प्रूव नहीं की थी, इसने सिर्फ इसको प्रिडिक्ट किया था कि ऐसा होना चाहिए कि मैटर और रेडिएशन का डुअल नेचर होना चाहिए, तो इसलिए इसको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहा गया। और देखो ये इतना ऑड था उस समय के टीचर्स के लिए कि आज तक इसको हाइपोथेसिस ही कह रहे हैं, जबकि ये सब चीजें आज की तारीख में एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुकी हैं। 3 साल के बाद ही 1927 में जो इसने बोला
उसको डेविसन जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके ये आज तक हाइपोथेसिस कह रहा है। तो अब हम देखते हैं इस हाइपोथेसिस की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी डी ब्रॉय इक्वेशन। ये इक्वेशन आप देखिए, छोटी मोटी इक्वेशन नहीं है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये इक्वेशन क्या बोल रही है कि अगर कोई मैटर पार्टिकल है, मैटर पार्टिकल, अब आप देखो मैटर के साथ मैंने वेव लिख दिया, लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से सुने कि यदि कोई मैटर पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है तो वो एक मोमेंटम क्रिएट करेगा, क्योंकि मास और वेलोसिटी दोनों है, मूव कर रहा है तो वेलोसिटी है और मास तो उसके अंदर है, तो मास इनटू वेलोसिटी क्या हो गया, मोमेंटम। तो वो जो मोमेंटम है उस मोमेंटम का नाम मैंने दे दिया है पी। यहां पर देखो आप मोमेंटम ऑफ पार्टिकल लिखा हुआ दिख रहा है आपको, पी, ठीक है। तो यदि कोई पार्टिकल पी मोमेंटम से मूव कर रहा है तो वो एक वेव भी बनाएगा, उस वेव को बोलेंगे मैटर वेव, और मैटर वेव की वेवलेंथ होगी और उस वेवलेंथ का फॉर्मूला है ये डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो क्या समझे कि एक मैटर है, उसका मास है और वो मैटर मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी है, तो मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी उसका मोमेंटम है, तो ये उसका पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। लेकिन डी ब्रॉय ने ये कहा कि उसकी एक वेवलेंथ भी होगी, वेवलेंथ को दिखाएंगे लैम्डा से और वो होगी एच बाय पी। तो अगर पार्टिकल है तो मोमेंटम होगा और यदि वेवलेंथ है तो वेव होगा, लेकिन इसमें तो दोनों है इसलिए ये दोनों होगा, इसी को बोलते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। इनफैक्ट ये पहली ऐसी इक्वेशन थी जिसने वेव और पार्टिकल नेचर दोनों को रिलेट किया। आप देखोगे इसमें RHS में आपको वेव नेचर दिखेगा और RHS में आपको पार्टिकल नेचर दिखेगा। ये H केवल एक कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट, जिसको बाद में प्लैंक कांस्टेंट कह देंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे लेकिन सर ये LHS अलग है, RHS अलग है, ये तो इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो LHS में ही दोनों चीजें आ गई हैं, ये वाला पार्टिकल है, सॉरी ये वाला वेव है और ये वाला पार्टिकल है, ठीक है। तो ये वेव और ये पार्टिकल दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और क्या बन रहा है, एच। ये एच जैसा कि मैंने बोला कि नॉन जीरो कांस्टेंट, तो आप इसको यूं समझिए, आपने मूवीज में देखा होगा एक कॉन्सेप्ट चलता है पुरानी कहानियों में, लीजेंड्स में, इच्छाधारी सांप का। इच्छाधारी सांप की खास बात यह होती है कि उसका डुअल फॉर्म होता है। डुअल फॉर्म होता है मतलब वो चाहे तो रेप्टाइल फॉर्म, सांप वाला फॉर्म, या चाहे तो वो ह्यूमन फॉर्म, दोनों फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अब लेकिन उसमें और इसमें एक डिफरेंस है, उसमें ये है कि जब वो रेप्टाइल फॉर्म में होता है तो वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखता, और जब वो ह्यूमन फॉर्म में होता है तो वो रेप्टाइल फॉर्म में नहीं दिखता, दोनों में से केवल एक फॉर्म दिखेगा। लेकिन ये इक्वेशन हमारी क्या कह रही है, ये इक्वेशन ये कह रही है कि देयर इज वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी मतलब वेव और पार्टिकल को एग्जिस्ट करेंगे साथ में। कैसे, देखो यदि कोई चीज वेव है तो फिर वो यदि क्लासिकल कॉन्सेप्ट से पार्टिकल नहीं होना चाहिए, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार, तो ये जो मोमेंटम है ये कितना हो जाना चाहिए, जीरो। तो लैम्डा इनटू जीरो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एच एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। ऐसे ही आप सोचो कि यदि कोई चीज पार्टिकल है तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जानी चाहिए क्लासिकल कॉन्सेप्ट से, जीरो, लेकिन नहीं हो सकती क्योंकि ये एच नॉन जीरो कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब ये है कि यदि पी डोमिनेंट होके ज्यादा दिख रहा है, यदि वो रेप्टाइल के फॉर्म में दिख रहा है आपको, भाई वो इच्छाधारी सांप आपको रेप्टाइल के फॉर्म में दिख रहा है, तो उसका एक ह्यूमन फॉर्म भी है जो आपको अभी दिख नहीं रहा लेकिन दबा हुआ है, तो रेप्टाइल फॉर्म डोमिनेंट है। ऐसे यहां पर जब पार्टिकल नेचर डोमिनेंट हो जाता है तो वेव नेचर थोड़ा सा दब जाता है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर तो कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो एक की वैल्यू यदि पी की वैल्यू बढ़ाओगे तो लेमडा की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम होगी, लेकिन कम होगे जीरो नहीं हो सकती, तो एक डोमिनेंट रहेगा और एक नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अभी भी क्लासिकल व्यू में कोई अंतर नहीं आया, क्लासिकल व्यू यही कहता है कि एक चीज दिखती दूसरी नहीं दिखती, लेकिन रियलिटी हम इसको रियल सिचुएशन में जब मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो दोनों ही चीजें होंगी, एक डोमिनेंट रहेगी और एक सबमिसिव रहेगी, एक दबी हुई रहेगी। तो ये बहुत प्यारी इक्वेशन है, इसमें एक वेव नेचर का है, एक पार्टिकल नेचर का, और मल्टीप्लाई करके जो एच बन रहा है ये क्या हुआ, यही डुअल नेचर हुआ। प्लैंक कांस्टेंट इस बात का प्रूफ है कि नेचर में डुअल नेचर होता है और ये नेचर का यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब बात ये होती है कि ये तो सिर्फ एक प्रेडिक्शन था, ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ था, तो प्रूव होने में ज्यादा समय नहीं लगा। आप बोर्ड पर देखोगे धीरे से आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा कि 1927 में एक एक्सपेरिमेंट किया दो लोगों ने, डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट।
के नाम से जाना जाता है, एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लिया और जानबूझकर उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन सभी जगह पर पाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होता है, उसके लिए प्रूव कर सकते हो तो सबके लिए प्रूव हो जाएगा, क्योंकि जो चीज जितनी छोटी होगी उसका वेव नेचर उतना आसानी से देख पाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में डुअल नेचर देखा गया, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। इसमें कैसे देखा गया, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में, कि जब इलेक्ट्रॉन की बीम को पास आउट किया गया कुछ गिवन कंडीशन में तो उसमें डिफ्रेक्शन होने लगा, और डिफ्रेक्शन किसकी प्रॉपर्टी है, डिफ्रेक्शन प्रॉपर्टी है वेव की। तो हमने देखा कि जब हम इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की जो बीम है उसको कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में मूव करते हैं तो उसका डिफ्रेक्शन होने लगता है। अब इससे पहले हम शुरू से ही जानते हैं कि पार्टिकल में मोमेंटम होता है, हमने एक बार कैथोड रेज पढ़ी है और कैथोड रेज में पढ़ा है कि कैथोड रेज जाकर ग्लास ट्यूब में टकराती हैं तो चमक उत्पन्न होती है, तो वो मोमेंटम की वजह से होती है। तो ये कैथोड रेज के बारे में पढ़ा था। एक और एक्सपेरिमेंट है सेकेंडरी इमिशन, इसमें मेटल टारगेट पे जाके जब इलेक्ट्रॉन गिरते हैं तो उससे और इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं, एक्स रेज को प्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये किस वजह से हुआ है, मोमेंटम की वजह से हुआ है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ने अपने दोनों नेचर शो किए, मोमेंटम भी शो किया, मतलब कोलिजन भी शो किया, कोलिजन बोलूंगा मैं, मोमेंटम की जगह मैं बोलूंगा कोलिजन भी शो किया और डिफ्रेक्शन भी शो किया। तो ये था हमारी क्लास का आज का एसेंस, जिसमें हमने मॉडर्न व्यू की चर्चा करी। मॉडर्न व्यू क्लासिकल व्यू से आप देखो काफी अलग हो गया थ्योरेटिकली, हालांकि डे टू डे लाइफ में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मॉडर्न व्यू काफी हद तक अलग हो जाता है क्लासिकल व्यू से, और ये बताता है कि किस तरह क्लासिकल व्यू में कुछ कमियां थी जिसको हमने मॉडर्न व्यू के थ्रू कम किया। और इसका आज के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि मॉडर्न व्यू में डुअल नेचर बताया गया, कि मैटर और रेडिएशन का डुअल नेचर होता है। तो कल से जब हम इस चैप्टर के कंटेंट को पढ़ेंगे तो हमको ये चार बातें साफ समझ में आ रही हैं, कि एक पढ़ेंगे मैटर का पार्टिकल नेचर, एक पढ़ेंगे मैटर का वेव नेचर, फिर एक पढ़ेंगे रेडिएशन का पार्टिकल नेचर और रेडिएशन का वेव नेचर। लेकिन आप कल देखेंगे कोर्स कंटेंट में कि इनमें से हम दो चीजें ही पढ़ेंगे और दो नहीं पढ़ेंगे, तो कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़ने वाले हैं, तो हम मैटर का पार्टिकल नेचर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसको कोलिजन के फॉर्म में हम 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। ऐसे ही हम रेडिएशन का वेव फॉर्म नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम इसको वेव थ्योरी के नाम पर 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये दो चीजों पर आपके क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे रेडिएशन के पार्टिकल नेचर पर, ठीक है, और मैटर के वेव नेचर पर। तो कल एक क्विज रहेगी इसी समय पर, आप उस क्विज को दीजिएगा, उसके बाद अगले दिन हम डिस्कस करते हैं कंटेंट जो कि हमारे क्लास 12th में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर का है। टिल देन गुड बाय।